हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर या फिर एक्सेसिबिलिटी रूल्स या फिर एक्सेसिबिलिटी लेवल्स के बारे में, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें तीन टर्म्स होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। प्राइवेट जो हम लोग क्लास के अंदर प्राइवेट लिखते हैं, प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम उसमें जो भी डेटा मेंबर्स या फिर मेंबर फंक्शन है उनका इस्तेमाल आउट ऑफ क्लास नहीं कर सकते, यानी कि उसको हम लोग आउट ऑफ क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट डेटा को। ओके, यानी कि कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है प्राइवेट डेटा में। उसी तरह प्रोटेक्टेड में क्या है, प्रोटेक्टेड में भी कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता, यानी कि आउट ऑफ क्लास अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं प्राइवेट के प्रोटेक्टेड डेटा को, तो आप एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। पब्लिक, जब बात पब्लिक की आती है तो पब्लिक को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, यानी कि क्लास के अंदर से भी और क्लास के बाहर से भी। और प्राइवेट डेटा और प्रोटेक्टेड डेटा को आप सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ इसको मैंने डायग्राम या मैंने टेबल के थ्रू से बताया है। एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर जब ये प्राइवेट होता है तो ऑन क्लास मेंबर यानी कि क्लास के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास यानी कि ऑब्जेक्ट से इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट डेटा को। प्रोटेक्टेड जब आपका कीवर्ड यूज़ करते हैं आप किसी डेटा को, डेटा मेंबर में या फिर मेंबर फंक्शन में, तो वो ऑन क्लास यानी कि क्लास के अंदर तो एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से इसको डायरेक्ट हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। पब्लिक, जब हम लोग पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो इसको क्लास के अंदर भी यूज एक्सेस किया जा सकता है और क्लास के बाहर से यानी कि ऑब्जेक्ट से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। अब यहाँ एक चीज़ आती है कि अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कि हम लोग क्लास के डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कैसे क्लास के अंदर के डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर पाते, और हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे हम लोग पब्लिक को एक्सेस करते हैं, यानी कि पब्लिक डेटा को एक्सेस करते हैं, और पब्लिक डेटा को एक्सेस करते हुए किस तरीके से हम लोग प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं आउट ऑफ क्लास यानी कि क्लास के बाहर से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।